गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन एंड वेलकम टू नित्या एकेडमी आप लोगों को। ठीक है, डिफरेंशिएशन का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन में, डिफरेंशिएट टेन इनवर्स रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन होल डिवाइडेड बाई एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कहने का मतलब है कि ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को हम लोग को डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। सॉल्यूशन, लेट वाई इक्वल टू टैन इनवर्स रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स। अब यहां पे हम लोग पुट करते हैं, वी पुट एक्स इक्वल टू टैन थीटा। दिस इंप्लाई यहाँ से थीटा का हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे पहले ही, टैन इनवर्स एक्स। अब हम लोग यहाँ पे फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स उसके प्लेस में टैन थीटा पुट करेंगे। वाई इक्वल टू टैन इनवर्स रूट ओवर वन प्लस हो गया टैन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन टैन थीटा। देन वाई इक्वल टू टैन इनवर्स, देखिए रूट ओवर वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, ये आप लोग क्लास टेंथ में पढ़े हैं, सेक थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाई टैन थीटा। अब क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स, देखिए ब्रैकेट के अंदर में सेक और टैन को दोनों को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ सेक के प्लेस में लिखेंगे वन बाई कॉस थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। दिस इंप्लाई वाई इक्वल टू टैन इनवर्स यहाँ हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यहाँ देखिए कॉस थीटा कैंसिल। दिस इंप्लाई वाई इक्वल टू टैन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब क्लास इलेवेंथ के ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग हाफ एंगल में इसका फॉर्मूला पढ़े हैं। वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, एंड साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। तो हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, दिस इंप्लाई वाई इक्वल टू टैन इनवर्स हो गया टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। हम लोग यहाँ कौन कौन सा फॉर्मूला यूज किए हैं, हम यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं वन माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू एंड साइन थीटा इक्वल टू टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। ये दो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज किए। तो यहाँ से देखिए टू टू कैंसिल हो जाएगा, एक साइन चला जाएगा तो एक साइन चला जाएगा। दिस इंप्लाई वाई इक्वल टू टैन इनवर्स हो गया साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू। क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इंप्लाई वाई इक्वल टू ये हो गया टैन इनवर्स साइन बाई कॉस टैन थीटा बाई टू। आगे देखेंगे हम लोग, दिस इंप्लाई वाई इक्वल टू यहाँ क्या बच जाएगा, थीटा बाई टू। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि आप लोग आईटीएफ में पढ़े हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, टैन इनवर्स टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे आगे, और y इक्वल टू उसको लिख सकते हैं वन बाई टू इंटू थीटा। दिस इंप्लाई y इक्वल टू यहाँ हो जाएगा वन बाई टू इंटू टैन इनवर्स x। इसको एक काम करते हैं, हम बॉक्स के अंदर में डाल देते हैं, ये फॉर्मूला है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा। दिस इंप्लाई dy बाई dx इक्वल टू वन बाई टू कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा,
डी टैन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हमारा, 1/2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा वीडियो, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। वेट कीजिए, हमारा आपको हमेशा मिलता रहेगा, नया नया क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलता रहेगा और कॉन्सेप्ट भी मिलता रहेगा हमारी ओर से। थैंक यू टू